फ्रेंड्स, मैं सुनील और आज फिर से एक केक बनाया हूँ जो कि 2 kg का है, एनिमल केक है और कुछ कुछ फोंडेंट का काम किए हैं इसमें, ठीक है। तो कैसे बनाया आगे आपको हम वीडियो में बताएंगे और दिखाएंगे भी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, अभी फिलहाल ये वाला केक है जो मैं बनाया हूँ। तो इसका टोटल कैसे बनाया हूँ आगे चलिए वीडियो में देखते हैं। तो देख सकते हैं, ले चुका हूँ स्पंज, ठीक है। ये 1 kg का मोल्ड से कटिंग कर रहा हूँ, सीट से नहीं, और इसका थोड़ा सा हिस्सा उधर कट करके रखा हूँ। 2 kg का बनेगा ये वाला केक। और पहले में लेयर लगाना पड़ेगा, ये नॉर्मल स्पंज है, ठीक है, जो प्रीमिक्स वाला है वो नहीं है, अंडा वाला है जो हम लोग खुद से यूज़ करते हैं, खुद बनाते हैं, ठीक। और इसका स्पंज अगर आपको देखना है तो सुनील केक मास्टर और स्पंज लिख दीजिएगा यूट्यूब में और सर्च कर दीजिएगा, ठीक है, टॉप में ही आ जाएगा, फिर आप देख सकते हैं। ये वेनिला फ्लेवर का था या कुछ और फ्लेवर है? नहीं नहीं वेनिला फ्लेवर ही था, ठीक है। तो इसमें कोई फ्लेवर था नहीं, सिर्फ वेनिला फ्लेवर। तो इसमें सिर्फ क्रीम ही डालना है और कुछ डालते नहीं है। और अगर ज़्यादा थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं तो मिल्क में ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो इसमें जूस डाल दे रहा हूँ अच्छे से, और हम लोग को थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि यहाँ के कस्टमर ना एक नंबर है सब, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर ड्राई रह जाता ना केक तो आके सेट को कंप्लेन दे देता है, ठीक है, और फिर सेट हम लोग का अच्छा से लेता है, इसीलिए जूस इसमें बढ़िया से डालना पड़ेगा ताकि हम लोग का केक सूखा ना रहे और पूरा जूस जैसा लगे खाने में, रसगुल्ला जैसा। तो इसका साइड से कटिंग कर लेंगे अब, ठीक है, क्योंकि जला हुआ रहता है प्लस मोटा भी रहता है, भट्टी में बनने कारण वो सूख जाता है, तो इसीलिए साइड का हटा देंगे ताकि हम जो आइसिंग करें तो अच्छे से फिनिशिंग में भी हो जाए और ऊपर का भी जो ऊंचा है उसको भी दबा करके प्लेन कर दीजिए बराबर, ठीक है। चलिए अब इसमें हमें एक न्यूट्रल जेल का लगेगा काम, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यही वाला ग्लेज रहता है, जेल रहता है हम लोग का, जितना जो भी मैं केक में डालता हूँ कलर कलर का, येलो पीलो नीला जो भी होता है, ठीक है, तो सब कलर इसमें डाल के लिक्विड कलर, और जो भी कलर हमें बनाना पड़ता है वो बनाएंगे। ये वाला भी इसमें थोड़ा क्रीम ऐड किया हूँ, ठीक है, न्यूट्रल जेल लिया, अब ये वाइट व्हिप क्रीम है और इसमें पिंक कलर डालना हमें, ठीक है, ये बनाने के लिए। तो इसलिए मैं दिखा दिया कि न्यूट्रल जेल भी कैसे बनाते हैं, वो भी आप इसमें देख लीजिए। और ये न्यूट्रल जेल डालने के बाद में थोड़ा पानी ऐड किया हूँ इसमें, ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट है, थोड़ा पानी रखना पड़ता है ताकि स्लिप करेगा, फिसलेगा अच्छा ऊपर केक पे डालने के लिए, और अगर पानी ऐड नहीं करेंगे तो फिर पूरा टाइट रहेगा, तो टाइट रहने से अच्छा नहीं होगा। ये पिंक कलर लाइट पिंक में करना, ज़्यादा डार्क नहीं करना हमें, बस इतना ही। अब इसको अच्छे से मिक्स करना होगा, ठीक है, ताकि पानी और कलर बढ़िया से मिक्स हो जाए। ये देखिए थोड़ा सा पानी पहले डाला था, थोड़ा और मेरे को लगा तो थोड़ा मैं और डाल दिया, देख सकते हैं। तो मतलब आप अपने हिसाब से भी अपना आइडिया लगा सकते हो कितना इसमें होना चाहिए, ताकि आपका जो भी केक पे यूज़ कर रहे हो अगर ड्रॉपिंग के लिए या फिर ऊपर भी डाल रहे हो, ऊपर डाल रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा पतला रखना पड़ेगा, ठीक है, तो ही फिनिशिंग मस्त आएगा, नहीं तो थोड़ा भी टाइट रहने से वो फिर वो आप जब केक पे डालोगे ना और फिर वो पट्टी से या फिर किसी भी चीज़ से अगर उसको फिनिशिंग करोगे ना तो क्या क्रीम को साथ में ले आएगा और पतला रहेगा ना, फिर दिक्कत नहीं होगा। तो ये मेरा मिक्स हो गया, ठीक है, बटर पेपर का कोन बनाया हूँ उसमें डाल रहा हूँ इसको, ठीक है, और वैसे तो पाइपिंग बैग भी अगर यूज़ करते हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। और जितना भी जो काम हम लोग का करना पड़ता है स्लैब पे करता हूँ, डब्बा वगैरह में नहीं, ठीक है, क्योंकि यार ये गंदा नहीं, साफ भी रहता, देख सकते हो कैसा है, दिन में 75 बार तो इसमें कपड़ा मारना पड़ता है भिगा करके, तो साफ रहेगा नहीं। तो देख सकते हैं हो गया कंप्लीट, अब चलिए केक का आइसिंग करते हैं फटाफट से, थोड़ा वीडियो स्पीड कर दिया हूँ क्योंकि स्लो रहेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उतना देर तो आप लोग भी रुकोगे नहीं, इसीलिए आइसिंग करते समय क्रीम को थोड़ा स्मूथ रखिए। हर एक वीडियो में बताता हूँ, इसमें भी बता दे रहा हूँ, ताकि आपका फिनिशिंग हो जब आप केक पे क्रीम डाल रहे हो, ठीक है, नहीं तो अगर टाइट रहेगा तो आप कितना भी इसमें पट्टी मारते रहिए, घिसते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ फिनिशिंग होने वाला है नहीं। अगर स्मूथ रहेगा क्रीम अच्छा तो एक नंबर फिनिशिंग होगा, आप देख सकते हो क्रीम हमारा कैसा है। और प्लस गर्म पानी का थोड़ा यूज़ कीजिएगा, ये भी शायद ही कोई बताता होगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो हम लोग करते हैं, जहाँ तक होगा मैं पूरा आप लोग को कोशिश करूँगा सब कुछ बताने और सिखाने का, ठीक है। तो हमें फॉलो करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, चैनल पेज सब फॉलो कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और इंस्टा पे भी आप, वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं रील्स डालता हूँ छोटा छोटा, अगर कोई 1 kg का डिज़ाइन आपको चाहिए तो डेली एक नया डिज़ाइन मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है, इसीलिए। और प्लस जो भी केक्स बनाता हूँ सबका फोटोज़ भी अपलोड करता हूँ वहाँ पर, पोस्ट करता हूँ मतलब इंस्टा पर, और प्लस कोई भी अगर मैसेज है तो वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा आप लोग को। तो चलिए ये वाला स्कैपर जो कि फोटो सीट के नीचे आता है, ये हम लोग का ज़्यादा मस्त रहता है केक फिनिशिंग करने में, अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं तो जो एक्सरे वाला रहता है ना, जो कोई अगर बीमार उमर होता है तो एक्सरे करते हैं ना, तो वो वाला भी कट करके अच्छे से धो करके उससे भी काम कर सकते हो, सेम रहता है दोनों, ठीक है।
फिर उसे एक नंबर फिनिशिंग हो गया। देख सकते हैं मेरा केक कितना मस्त फिनिशिंग हो गया। अब चलिए जो मैं क्रीम बनाया था ना पिंक वाला जेल, वो एक साइड में डालना था, इसमें थोड़ा सा वो भी डाल लेता हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा पतला नहीं किया हूँ इसको, लगभग मीडियम में ही है। तो ऊपर में थोड़ा पट्टी से दबा करके और साइड से ड्रॉप करूँगा तो ज़्यादा मेरा स्लिप नहीं करेगा, आप देख सकते हैं। और ये इतना भी फिनिशिंग इसलिए क्योंकि पानी डाला था। अब देखो इतना गाढ़ा है मेरा, साइड से भी ज़्यादा गिर नहीं रहे, रुक जा रहे, तो इसलिए। और अगर पूरा आपको खाली डालना होगा तो पतला रखना पड़ेगा। अब चलिए बेस को भी फिनिशिंग कर लेते हैं। ये कैसे छूट सकता है, नाम जो लिखना पड़ता है बर्थडे बॉय का, और अगर किसी का और भी किसी टॉपिक पे है तो। बेस फिनिशिंग करने से एक और फ़ायदा होता है, केक आपका देखने में अच्छा लगता है, प्लस बेस पे अगर कुछ डिजाइन है तो वो भी कर सकते हैं। पतला क्रीम लेकिन यूज़ किया कीजिए इसमें, ज़्यादा मोटा मतलब मैं नहीं डालिए क्योंकि ये तो फिर वेस्ट ही होता है क्रीम, लेकिन क्या करें ऐसे देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये पूरा छीट दिए सिल्वर बॉल छत के माफिक, ठीक है, देख सकते हो पूरा कंप्लीट। बस क्योंकि ऐसे ही उसमें भी था, पूरा डाल के रखा था, मेरा तो फिर भी कम है, उसमें और भी ज़्यादा था। अब चलिए फोंडेंट का कुछ कुछ काम है वो कर लेते हैं, प्लस ये वाला राउंड राउंड का था बॉल्स बनाना था छोटा छोटा, तो फोंडेंट का ही मैं बना ले रहा हूँ, वाइट पिंक में बनाना पड़ेगा। और बाकी इसका और भी राउंड कट करके और पीछे से शीशा टाइप में जो था वो भी लगाना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो ये हो गया, जितना उसमें था मैं राउंड करके रख लिया, ठीक है। अब ये भी मैं पतला बेलना होगा और कटर से ही इसको काटना पड़ेगा। वीडियो फ्रंट वाला काम को थोड़ा मैं फास्ट कर देता हूँ, ठीक है, वो इसलिए कर देता हूँ क्योंकि अगर स्लो रखता हूँ तो टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर ऐसे फास्ट आप लोगों को नहीं देखना तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, कि स्लो रखा कीजिए, तो मैं स्लो ही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप लोग बोलोगे वैसा मैं कर दूंगा। तो ये मेरे पास राउंड कटर था तो इससे काट ले रहा हूँ इसको, ठीक है। और फिर पीछे से चॉकलेट डालना पड़ेगा इसमें क्योंकि पतला है ना बहुत, तो रुकेगा नहीं, टूथपिक पर रोकना हमें इसको। तो आप देख सकते हैं जितना ज़रूरत था मेरे को केक में, मैं उतना कटिंग कर लिया। और ये हार्ट शेप है, शायद कहीं कहीं लगा हुआ है या टूथपिक में ही शायद लगा हुआ है इसका भी, तो मैं जिस टाइम पे केक बनाया था अभी ध्यान नहीं है, देखता हूँ, मैं खुद ही भूल जाता हूँ मैं केक बना करके मैं क्या क्या किया था इसमें। आप देख सकते हैं पूरा बेस पे मैं इसको सेट कर लेना है ऐसे ही, और फिर इस पर टूथपिक लगा करके पतला चॉकलेट का लेयर डालना होगा, वाइट कंपाउंड ब्लैक कंपाउंड जैसा भी डालो, लेकिन वाइट डालने से ज़्यादा सही रहता है, ज़्यादा वो दिखता नहीं है, लेकिन ब्लैक वाला रहेगा तो तुरंत दिख जाता है कि हाँ चॉकलेट पीछे लगा हुआ है, तो इसलिए वाइट का ही ज़्यादा यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा सही है। ये बड़ा वाला टूथपिक है, ठीक है, छोटा नहीं है, 10 इंच है शायद, हाँ 10 इंच होगा या ज़्यादा ही होगा। तो एक नंबर भी मैं काटा था उसमें लगाना था, आप देख सकते हो पीछे से चॉकलेट ऐसे लगा करके पूरा टूथपिक में चिपका ले रहा हूँ इसका। ऐसे होगा क्या, मेरा फोंडेंट भी पतला था ना तो वो भी स्ट्रेट रुक जाएगा और इसमें से लूज होगा नहीं इसीलिए। और ये एक नंबर भी, इसमें भी पूरा ऊपर से नीचे तक डाल देने पकड़, ये भी मेरा स्ट्रेट हो जाएगा चॉकलेट की मदद से। तो ये फोंडेंट काम पूरा हो गया मेरा, लेकिन मैं इसमें ये यूनिकॉर्न वाला बनाया था ना एनिमल्स कार्टून, ये नहीं दिखा पाया, ठीक है, क्योंकि थोड़ा जल्दी में था केक, तो इसको हम बना लिए थे पहले ही और ये सब मैं बाद में किया तो मैं कर दिया। देख सकते हैं ये भी बड़ा मस्त बना हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट कभी अगर ऑर्डर आया ना तो मैं बना करके आप लोग को दिखाऊँगा कैसे बनाना है इसको भी। तो इसको पीछे सेट कर देते हैं पिंक वाला जितना था, क्योंकि और ये भी सेट करने के लिए लेबल से करना पड़ेगा, जैसे तैसे अगर डाल दोगे तो फिर केक दिखने में अच्छा लगेगा नहीं, तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसा सेट कीजिए ताकि देखने में आपका लगे कि हाँ क्या मस्त सजाया हुआ है, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर अच्छे से सजाने से ना बहुत अच्छा दिखता है, जैसे तैसे फेंक देने से ना अच्छा चीज़ भी ख़राब हो जाता है। तो पीछे से छोटा छोटा आगे से बड़ा जितना था उसमें कवर करके भर देना है। एक नंबर लगाना था साइड में, वो भी लगा दिया मैं, ठीक है। और बच क्या रहा है, छोटा छोटा हार्ट जो मैं कट किया था वो भी साइड साइड से इसमें लगाना था, मतलब ये राउंड वाला लगाने के बाद में छोटा छोटा हार्ट सब भी था, तो टूथपिक में लगा करके वो भी लगाया हूँ इसमें। अब बॉल्स का था तो जहाँ जहाँ रखना था नीचे दो था, ऊपर भी कुछ बॉल्स लगाना है वो भी मैं लगा देता हूँ इसमें, और पीछे से भी कुछ है। तो ये तो पूरा फोंडेंट का ही था,
वैसे मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ छोटा छोटा, इसलिए ठीक है। अगर बड़ा, अगर ऐसा बॉल्स कहीं पे अगर बड़ा यूज करते हो नीचे क्रीम में ही क्यों ना रखना पड़े, ठीक है। लेकिन फिर भी टूथपिक लगा करके रखिए, क्योंकि क्रीम है तो फोंडेंट इसमें रुकता नहीं है, पता ही होगा लगभग जो केक बनाते हैं, क्योंकि स्लिप कर जाता है, तो इसीलिए ये। और थोड़ा बहुत हार्ड शेप था, इसको मैं ऊपर में ही रख दे रहा हूँ। साइड से कुछ डिजाइन था, नहीं था, बस हो गया। नहीं सॉरी, हाँ ये है यार, हार्ट शेप लगाना था, ठीक है। देखिए वीडियो में पहले बना लेता हूँ, ठीक है, आके रूम में वॉइस डालता हूँ इसका, इसीलिए मेरे को कंफर्म पता नहीं रहता मैं क्या किया हूँ इसमें, करने के बाद पता चलता है हाँ यार ये चीज़ भी किया था, क्योंकि दिन में इतना सारा केक ही रहता है ना, जो ध्यान नहीं रहता कौन सा केक में क्या है, इसीलिए बस वहाँ पर फ़ोन लगा करके रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, बाकी एडिटिंग वगैरह करना आके रूम में करना पड़ता है, शॉप पर तो कर नहीं सकते, वहाँ पर इतना काम ही रहता है। तो ये हार्ट शेप लगाना था, साइड से कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। लेकिन आप लोग टेंशन नहीं, जो भी मैं करूँगा पूरा बता दूँगा। ये भी केक रेडी हो गया, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी और